वाला खुद समाप्त हो जाएगा। बिहार की जनता और यादव समाज इस बात को समझ रही है कि दूसरे किसी यादव को ये देखना नहीं चाहते हैं। जिस तरह से हम पर वार किए थे, आज नित्यानंद को जिस यादव से लगता है कि खतरा है, उस यादव को टारगेट करते हैं और धमकी देते हैं। ये तो गुंडागर्दी एक्ट, उस पर केस होना चाहिए। धमकी देते हैं, जो CBI, CID, इनकम टैक्स के जो लोग हैं, क्या रिटायर नहीं होंगे? क्या उनको बिहार में नहीं रहना है? क्या आपके बच्चे बिहार में नहीं रहते हैं? तो क्या वो किडनैपिंग उद्योग फिर खोलना चाहते हैं? ये उनके लहजे से आप समझ सकते हैं वो गुंडागर्दी राज फिर लाना चाहते हैं। ये माननीय डिप्टी CM को मैं कहना चाहूँगा कि आप होश में रहिए, जनता बेहोश कर देगी आपको। प्रशासन की मंशा तो दो दिन जब निर्धारित किया था तो निश्चित रूप से साफ रही होगी, लेकिन जिनको जांच का जिम्मा दिया था, हमको लगता है कि कोई सीधे हमसे तो जुड़ा मामला है नहीं, जिला प्रशासन से जुड़ा मामला है। लेकिन सामान्य तौर पर ऐसी स्थितियों में जो होता है, अगर जो जांच पदाधिकारीगण हैं उनको अगर और गहराई से जाँच करने की आवश्यकता होती है तो वो समय मांगते हैं, तो जल्दी से रिपोर्ट आ जाए जिस भी हालत की बात हो, उससे तो कहीं अच्छा होता है कि दो चार दिन देर से ही आए लेकिन सही रिपोर्ट आए, तथ्यात्मक रिपोर्ट आए। इसलिए अगर जांच पदाधिकारियों ने कुछ समय मांगा है तो ये समय देना कोई मैंने अनुचित बात नहीं है। सर, CCTV फुटेज की बात कही गई है कि उसका इंतजार किया जा रहा है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो तो साफ दिख रही है कि किस तरह से पिटाई हो रही है, लेकिन आधार दिया जा रहा है कि CCTV फुटेज का इंतजार किया जा रहा है। जो वो देख रहे हैं वो तो जांच पदाधिकारी ने और किन सब चीज से CCTV पूछ, तो आप क्या देखे हैं अभी तक? पिटते हुए देखे हैं, हम लोग भी देखा है, लेकिन वो उसके पहले का बैकग्राउंड क्या था वो भी तो देखना चाहिए कि एक सीन देख के पूरे स्थिति का कैसे जायजा लगाया जा सकता है। इसलिए अगर वो देख रहे हैं, हाँ, अगर कोई दूसरा सीन भी या दूसरी स्थिति भी देखेंगे तो उस तरीके से पीटने को कोई कैसे जायजा दे। लेकिन जांच पदाधिकारी का जिम्मा तो पूरी घटना पूरी स्थिति की जांच करना है ना, सिर्फ एक विजुअल देख के फैसला कर लेना ये भी तो उचित नहीं है, आप लोग भी समझिएगा। तो अगर जांच पदाधिकारी गहराई से जांच करने के लिए कोई CCTV फुटेज मांगे हैं या कुछ समय मांगे हैं तो इसमें कुछ भी अनुचित या ऐसा नहीं है। जो जल्दी रिपोर्ट, मैंने कहा कि रिपोर्ट जल्दी आने से बेहतर है कि दो चार दिन विलंब से आए लेकिन सही आए, तथ्यात्मक आए, गहराई से जांच करने के बाद। थैंक यू।